एक नया टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, क्या होता है ये? सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे ये प्लस क्यू चार्ज, दूसरा है माइनस क्यू चार्ज, ओके? दोनों के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है? इट इज अ फाइनाइट डिस्टेंस। डिस्टेंस को आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, वाई, जेड, डी, कुछ भी बोलना हो तो बोल सकते हो, बट हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है 2a, इसलिए हम लोग डिस्टेंस 2a ही लेंगे, ओके? विल टेक डिस्टेंस 2a। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ यू आर टेकिंग डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a, ओके? और इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इट फॉर्म्स अ डाइपोल। Na का जितना पॉजिटिव चार्ज है, Cl का उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी फाइनाइट होता है, ठीक है? इसलिए उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन करना है? तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक EDM लिख देता हूं, तो फिर इसका सिंबल भी है, इसका सिंबल होता है P, इसका सिंबल होता है P, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं वेक्टर लिख रहा हूं। अब देखो P से प्रेशर भी था, P से पावर भी था, P से मोमेंटम भी था, और P से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी है, और आगे जाके मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ भी आएगी, ठीक है? तो बहुत सारे P इधर उधर है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी सिंबल है P, पोलराइजेशन का भी P आएगा बाद में। सो P इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इट इज क्यू, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना है दोनों के बीच का डिस्टेंस, इट इज 2a, यहां पे लिख देते हैं 2a। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा एग्जैक्टली? इट इज P इज इक्वल टू 2aq, ठीक है? इफ यू आर राइटिंग इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? P इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू होगा। वेक्टर किस पे लगाना है? 2 इंटू a पे वेक्टर लगाना है, ओके? ये लिखो, उसके बाद थोड़ा बहुत बता देता हूं इसके बारे में और। यस, द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ओके थोड़ा रह गया एक वेट रुको द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल is always from positive charge to negative charge. ठीक है वो तो डायपोल हो या कुछ भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बट डायरेक्शन of electric dipole moment yani p is always taken from always taken nahi aayega taken from negative charge to positive charge yaad rakhna electric dipole moment ka direction hamesha negative se positive ki taraf hi hoga और ये क्यों होगा उसका रीजन अभी नहीं बता पाऊंगा मे बी तीन या चार लेक्चर के बाद व्हेन वी विल स्टडी अबाउट टॉर्क तो राइट हैंड स्क्रू रूल से ये प्रूव होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ठीक है वो आज प्रूव नहीं होगा लेकिन बाद में 100% प्रूव करके बताऊंगा कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही क्यों लिया जाता है इसके अलावा द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट unit of P is coulomb into meter क्यों because यहाँ पे क्या होता है देखो 2a यानी distance q यानी charge charge into distance यानी coulomb into meter यानी c into m centimeter मत समझना c capital है coulomb का m is meter इसका dimensional formula ये होगा dimensional formula of P is coulomb यानी a1 t1 meter यानी length l1 यानी क्या होगा l1 ठीक है ये उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है अब याद रखना ये जो है ना डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर इज वन ऑफ द सेवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओके एम्पियर हम लोग सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी में गिनते हैं बट ये ना ऐसे बहुत सारे हर बार डायमेंशनल फॉर्मूला एक डायमेंशनल फॉर्मूला पूछते रहते तो सब लोगों ने अच्छे से लर्न कर ली तो अभी इन लोगों ने ऐसा किया है गुड सेट में भी एंड इवन एनटीए में भी ऐसा करते हैं एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो जेडब्ल्यू और नीट लेती है वो लोग अभी ऐसा करते कि कूलम में ना बोले कूलम को बेस क्वांटिटी ले लो और डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो तो अगर कूलम को बेस क्वांटिटी मान लेते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एल वन क्यू वन ठीक है अगर चार्ज को बेस क्वांटिटी मान लेते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा एल वन क्यू वन तो जितनी भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग लर्न करते हो जिसमें एम्पियर आता हो तो हमेशा क्यू के टर्म्स में भी एक बार देख लेना ठीक है डिफरेंस क्या होगा ए वन टी वन इज इक्वल टू क्यू वन होता है ठीक है q is equal to it के हिसाब से तो a1 का होगा q1 by t1 ठीक है तो जहां भी a1 लिखे उसमें q1 by t1 डाल दो तो वो चार्ज के टर्म्स में डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगी ओके तो छापो जल्दी से ये देन रेज योर हैंड